हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंजु ठाकुर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालने हैं। अब हम क्रैमर्स रूल का डिटर्मिनेंट्स निकालने वाले हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.3 में। दो इक्वेशन दिया गया रहेगा, उसमें से हमको क्रैमर्स रूल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स वेरिएबल्स कितने हैं? 1, 2, 3, ये कांस्टेंट टर्म, ये दो वेरिएबल्स, ये 3, 4, 3 एंड 5, ये 3-3 नंबर्स हैं। मतलब काउंटिंग करें नंबर्स तो 3-3 नंबर्स होते हैं। उन 3 नंबर्स को हम लोग किस में डिवाइड किस में कन्वर्ट करेंगे? a1 b1 c1, और नीचे वाली लाइन रहेगी a2 b2 और c2। ठीक है, अब इस a1 हमारा क्या है? 3 है, तो a1 हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, और a2 क्या हो गया? 4। b1 क्या है हमारा? b1 4 है, ये 4 है, -4 है। ठीक है, और b2 क्या है? 3। c1 क्या है? 10। और c2 क्या है? 5। तो हम लोगों ने इसका नंबर निकाल दिया और x और y वहीं रहने दिया। यहाँ तक समझे आपको? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक रूल है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब रूल ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले हम ये और ये लेंगे, यानी कि इतनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद होगा सी का बी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ए का सी से। यानी कि मैं यहाँ रफली लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, पहले a a b1 b2, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर किसका होगा? सी और बी का, c1 c2, और b1 b2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर इसके बाद लास्ट होगा ac का, यानी कि a1 a2 c1 c2। हमेशा याद रखना ये चीज कि किसको पहले कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। पहला हमारा क्या है? a1 a2 b1 b2 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया a1 a2 b1 b2। अब उसके नंबर्स क्या है a1 a2 b1 b2 के? 3, 4, -4 और 3। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आएगा? 3 को 3 से, 3 × 3 − 4 × −4, है ना? तो 3 × 3 = 9 माइनस 3 × 3 = 9 हो गया, और 4 × 4 = 16 हो गया। यहाँ पॉजिटिव 16 है और नेगेटिव बिगर नंबर तो वही आएगा कॉमन, तो इधर मैंने माइनस का साइन रखना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 25। यानी कि हमारा फर्स्ट dx हमारा निकला है कितना? 25, ये x वाला पार्ट। अब हमारा सेकेंड क्या है इक्वेशन? c1 c2 से b1 b2, तो यहाँ लिख दूँगी मैं c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 b1 b2 क्या है हमारा? यहाँ देखो, c1 c2 है हमारा 10 और 5, है ना, और b1 b2 क्या है? −4 और 3। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये इक्वल्स टू में डालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 10 × 3 = 30, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ। 5 × 4 = −20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो हमारा ये इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50। तो हमारा dy निकल गया 50। अब लास्ट वाला क्या है हमारा? लास्ट वाला है a1 a2 c1 c2। तो a1 का क्या है हमारा? नंबर 3 और 4 है, और c1 c2 का क्या था? 10 और 5। तो ये इस तरह से लिख देना है, 3 × 5 = 15 होता है, −4 × 10 = 40। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। तो 40 − 15 कितना होता है स्टूडेंट्स? 25 होता है, तो माइनस में 25 आएगा क्योंकि यहाँ बिगर नंबर के साथ माइनस के साइन है, तो ये हो जाएगा −25। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकला है, ये हमारा dx है और ये हमारा dy है। तो हमको क्या करना है?
डी एक्स अपॉन डी करना है और डी वाई अपॉन डी करना है। तो डी एक्स हमारा ये है, ये नहीं है। डी एक्स हमारा 50 है, 50 अपॉन डी। डी क्या है 25, और डी वाई क्या है हमारा, डी वाई है -25 और डी क्या है हमारा 25। तो ये इसको अगर कट करेंगे तो ये कौन से टेबल से कट होगा, 25 के टेबल से, है ना। तो 25 ones are 25, 25 twos are 50। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट फर्स्ट का निकला हमारा 2 आंसर और 1 1, यानी कि -1 बचेगा, ये -1 है। तो हमारी x और y की वैल्यू क्या निकली है, 2 और -1। तो इस तरह से आपको क्रैमर्स रूल का इक्वेशन दो दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। लेकिन आपको फार्मूला क्या याद करना है, फार्मूला तो है नहीं इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा दिया तो पहले उनके वेरिएबल्स निकाल के लेने हैं। यहाँ साइड में मैंने लिख दिया ऐसा। फिर रूल में आपको ये याद करना है कि पहले a1 a2 b1 b2 के साथ डिटर्मिनेंट निकालना है, c1 c2 b1 b2 के साथ डिटर्मिनेंट निकालना है, और a1 a2 और c1 c2 के साथ डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले ये इसके साथ निकलेंगे, फिर ये इसके साथ। b और c का भी मत करना स्टूडेंट, c और b करना, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। a1 a2 b1 b2, फिर c2 b1 b2, फिर लास्ट में इसके साथ ये। तो इस तरह से अगर हमको मेथड पता चल जाए तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करोगे अपने क्लास वर्क में। ठीक है, थैंक यू।